अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और ना कहानी आफतों से दूर रखे। तो आज मैं बना रही थी भुनी हुई कलेजी, तो मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा और बताएगा कि कैसी लगी। ठीक है, ये बीफ की कलेजी है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सिरका लगा के रख दिया था, थोड़ा दिख रहा है कलर चेंज दिख रहा होगा, ये स्मेल नहीं आती है। फिर अब इसको धो दिया, छानने रख दिया, अब हम पकाने की तरफ चलते हैं। ये हमने एक देच के ले लिए और इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें जो प्याज चॉप की थी वो डालेंगे। ये अंडे वाली प्याज काट लेते हैं थोड़ी, तो एक प्याज ले ली थी बड़ी। ठीक है, ये देखें प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे। ठीक है, लहसुन अदरक डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसका भी देखें अपना पानी होता है और फिर जब हम दही डालेंगे उसका भी होगा। ठीक है, ये लहसुन अदरक डाल के इसको भून रहे हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं पहले, उसके बाद में सारे मसाले डालेंगे। और इसकी एक ये है कि ना आपने इसमें नमक नहीं डालना होता, जब ये बिल्कुल रेडी होती है ना तब नमक, वरना अगर पहले डाल देते हैं तो ये गलती बहुत देर में है और सख्त हो जाती है। ठीक है, तो नमक एंड में डलेगा। ये देखें अच्छे से ये भून गया, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। अभी हमने कुछ नहीं डाला था, हल्दी डाली थी। ठीक है, कुटी हुई मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से रखें, पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, क्या अगर हैं तो डाल दें, नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे तो ये आपको पता है काफ़ी तरीके से बनती है ये भी, मगर ये जो ये सिंपल भुनी हुई है। ठीक है, अब ये इसमें हम दही डाल देंगे। इसका देखिए अपना पानी था और फिर अब ये दही का भी होगा। इसमें हमने कोई पानी नहीं डालना और ना ही आप लोगों ने डालना है। नमक हम एंड में डालेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे रख देंगे और इसको फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ठीक है, ये देखें ये अपने फाइनल लुक की तरफ आ गई है, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, इसी जैसे हमने बनाई है। अब ये हम नमक डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हो गई है, अब हम फाइनल में नमक डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के बस थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। सिर्फ दही डलता है इसमें और एक छोटी सी प्याज। दही मसाला बीफ कलेजी। ठीक है, अभी हमने नमक पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया, ये भूनेंगे, समझिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, बस अब ये हल्की सी कसूर की मेथी इस पर डालेंगे, क्योंकि कसूर की मेथी डलती है तो उसकी खुशबू अलग ही होती है। बस ये फाइनल टच है कसूर की मेथी का। ठीक है, ये बिल्कुल देखिए रेडी है, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए तो इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ठीक है, बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हाँ हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।